السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم माँ यफ़ाल्ला बदाबिकुम इन शकर तुम व आमन तुम वक़ानल्ला शाहकिन अलिमा मज्ज़ महतरम नाजरन व सामीन दीनी और इस्लामी भाइयों आज के दरस के लिए मैंने एक बहुत ही अहम मौजू का इंतखब किया है और वो है अजाब इलाही के दो अहम इसबाब्रन सन्नत के अंदर अल्लाह रब्लम के अजाब के बहुत सारे इसबाब बयान किए गए हैं आज मुख्तर से वक्त में अल्लाह की मदद और उसकी तोफ़ी से इन दो अहम इसबाब का तस्करा करना चाहता हूँ जिनका जिक्र अल्लाह तुर नसा की आयत नंबर एक सौ सैतालीस में किया है अल्लाह नबुलमीन खुले अल्फाज में अंदाज़ में फ़रमाता है शाकिर अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार गुज़ार बंदे बन जाओ और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारो और अल्लाह रब्आमीन कदरदान और पूरे इल्म वाला है साथ करीमा में अगरचे खिताब मुनाफिकीन को है अगरचे मुनाफीन को कहा गया है कि तुम भी शक्र गुज़ार बंदे बन जाओ तुम भी साहिब ईमान बन जाओ तो तुमको भी अल्लाह ताल आज़ाब नहीं देगा लेकिन यह आयत करीमा क़्यामत तक के पैदा होने वाले इंसानों के लिए आम है तमाम इंसानों के लिए है जो कोई भी नाशुरी करेगा जो कोई भी ईमान से दूरी अख्तियार करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बच नहीं सकता है अगर कोई इनफरादी तौर से गुनाह करता है कि नाशुकर बन जाता है ईमान से और आमल साले से दूर हो जाता है तो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब का शिकार होगा या इज्तमाही तौर से किसी समाज और माशरे के लोग इस तरह से नाशक् बन जाते हैं और ईमान से दूर हो जाते हैं तो पूरा समाज और माशा अल्लाह के आजाब में गिरफ़्तार हो सकता है आज हम देखते हैं कोरोना वायरस या इसी तरह से लॉकडाउन या इसी तरह से मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी ये सारी चीज़ें भी अल्लाह रब्लमीन के अजाब की शक्लें हैं हम उस पर गौर नहीं करते जब अल्लाह रब्लम ने हमको आज़ादी दे रखी थी कि हम पंज वक्ता नमाज़ें मस्जिदों में अदा करें जुमा वक्त पर मस्जिदों में जाकर अदा करें उस आज़ादी की नेमत का हमने सही इस्तेमाल नहीं किया हमने उस आज़ादी की शुक्रगुजारी नहीं की तो अल्लाह ताला ने आज हमको मस्जिदों में जमात नमाज़ पढ़ने से महरूम कर दिया इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमको सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजा था उस सेहत व तंदुरुस्ती को हमने नाफ़रमानी और गुनाह के कामों में जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियों को हम पर मसलत कर दिया इसी तरह बेहयाई और फहाशी के कामों में हमने दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी बीमारियों में हमको मुब्तला कर दिया जो इससे पहले नहीं थी जैसा कि सुन नबी माजा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आप को आज़ादी दे रखी थी कि हम हलाल रोज़ी खाएं, हलाल रोज़ी कमाएं और अल्लाह की राह में ख़र्च करें लेकिन ना हमने हलाल रोज़ी कमाने और खाने की कोशिश की ना अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च किया तो अल्लाह ताला ने लॉकडाउन हम पर मुसलत कर दिया आज हम माश बदहारी के शिकार हैं मेरे भाइयों कोई भी इंसान ना करेगा तो अल्लाह रब्लम के अजाब से बच नहीं सकता है सुन इब्राहिम की आयत नंबर सात में अल्लाह रब्लम ने इशाद फरमाया ल इन शक्कर तुम लजीदुम ला व लाइन कफ़र तुम्न आजाबिल शशदीद अगर तुम मेरी नहमतों की शिक्र गुज़ारी करोगे तो तुमको मजीद दूँगा और अगर मेरी नमतों की नाशगरी करोगे तो मेरा आज़ाब बहुत सख्त है मेरे भाइयों जब हम अल्लाह की नमतों में होते हैं अल्लाह रबालमिन की रहमतों में होते हैं अल्लाह रब्लमिन की तरफ से अमन अमान में होते हैं तब हमको उसका एहसास नहीं होता हमको उसकी क़दर नहीं होती और जब वो नमत अल्लाह तला हम से छीन लेता है तब हम रोते हैं और अफसोस करते हैं इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह रब्मीन ला की नमतों की कदर करते हुए अल्लाह रब्लम की शुक्रगुज़ारी करते हुए हम जिंदगी गुजारें वरना ये नमतें हमेशा हमारे पास रहने वाली नहीं हैं जिन लोगों ने भी अल्लाह की ना शुक्री की अल्लाह की नमतों की ना कदरी की अल्लाह तला ने उनकी नमतों को छीन लिया और फिर वो रोते रहे चिल्लाते रहे इसलिए अल्लाह रब्लमिन ने इरशाद फरमाया तिलकैयामुाबील अननास ये अयाामम हैं ये हालात हैं हम लोगों के दरमियान उलटते और फेरते रहते हैं किसी शायर ने क्या खूब कहा है कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए अल्लाह ताला ने महमदर रसोल्ला व्लम की ज़बानी शुक्रगुज़ार बनने का तरीक़ा भी बयान फरमाया अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया जो तुमसे मालदार हैं जो तुमसे बड़े हैं तुम उन लोगों की तरफ ना देखो जो तुमसे गरीब हैं उनकी तरफ़ देखो अगर इस तरह करोगे तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे रहोगे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला से दुआ है कि आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में मोमिन और शुक्रगुजार बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारने की अता फरमा और ईमान के साथ मोत नसी फरमा अमीन और सल् नबीकरीमकुम